हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी आई होप कि सभी अच्छे होंगे आज हम क्लास सेकंड के मैथमेटिक्स के मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे जिससे आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें तो शुरू करते हैं तो ये क्लास सेकंड का मॉडल टेस्ट पेपर है आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कुछ इस फॉर्मेट में आएगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पर क्लास और सेकेंड सेक्शन लिखना है यहाँ रोल नंबर लिखना है टोटल जो आपको टाइमिंग दी जाएगी वो दो घंटे की होगी और टोटल मार्क्स होंगे सिक्सटी अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन है चूज़ द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है तो फर्स्ट है यहाँ पर ट्वेल्व प्लस नाइन तो यहाँ पर आपको ऐड करना है यानी कि जोड़ना है जोड़ कर बताना है कि आंसर कौन सा है तो आप इस तरीके से प्लस कर लेंगे नाइन और टू कितने होते हैं इलेवन का वन कैरी वन उसके बाद वन एंड वन टू तो आंसर कितना हुआ ट्वेंटी वन तो यहाँ पर ऑप्शन हैं नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है फिफ्टीन माइनस फाइव यानी कि फिफ्टीन से आपको फाइव को माइनस करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे फिफ्टीन माइनस फाइव तो फाइव में से फाइव को माइनस के जीरो उसके बाद यहाँ पर क्या बचा वन तो आंसर कितना हुआ टेन तो यहाँ पर ऑप्शन है टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अब यहाँ पर नेक्स्ट है ट्वेंटी टू माइनस हाउ मैनी इज इक्वल टू फिफ्टीन ट्वेंटी टू में से कितना माइनस करेंगे कि आंसर फिफ्टीन हो तो यहाँ पर ऑप्शन है फोर सेवन नाइन इलेवन तो इसके लिए आप क्या करेंगे ट्वेंटी टू से फिफ्टीन को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर टू से हम फाइव को माइनस नहीं कर सकते तो यहां से बोरो कर लेंगे तो कितने हो गए यहाँ ट्वेल्व ट्वेल्व से टू माइनस करेंगे ट्वेल्व से फाइव माइनस करेंगे कितने बचेंगे सेवन यहां पर कितने बचे वन अब वन से हम वन को माइनस करेंगे तो कितना हुआ तो कितना बचा जीरो तो यहाँ पर आंसर होगा सेवन तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अब यहां पर नेक्स्ट है विच डे कम्स बिफोर मंडे कौन सा दिन मंडे से पहले आता है तो ऑप्शन में है ट्यूसडे संडे सैटरडे फ्राइडे तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संडे अब यहां पर क्वेश्चन है यहां पर कॉइंस दे दिए गए हैं तो कॉइंस में कितनी वैल्यू है इन्हें प्लस करके आपको बताना है तो यहां पर है फाइव और यहाँ है वन ऑप्शन में है सिक्स नाइन फिफ्टीन फोर तो फाइव और वन कितने होते हैं सिक्स तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अब यहां पर क्वेश्चन नंबर टू है स्टेट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहां पर आपको बताना है कि कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है तो सही के लिए ट्रू लिखेंगे और गलत के लिए फॉल्स लिखेंगे थर्टीन प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री तो ये रॉन्ग है यानी कि फॉल्स है या फिर ट्रू है तो आप इसका कैसे पता लगाएंगे इस तरीके से जोड़ लेंगे थर्टीन प्लस ट्वेल्व थ्री और टू कितने होंगे फाइव वन और वन टू तो आंसर कितना है ट्वेंटी फाइव और यहाँ आंसर कितना है ट्वेंटी थ्री तो ये फॉल्स है तो यहाँ लिखेंगे एफ़ या फिर आप इस तरीके से पूरा भी लिख सकते हैं फॉल्स नेक्स्ट है ट्वेंटी सेवन माइनस टेन इज इक्वल टू सेवेंटीन तो अब इसी तरीके से आप इसका पता लगाएंगे तो ट्वेंटी सेवन से टेन को माइनस कर देंगे सेवन से ज़ीरो माइनस यानी कि सेवन ही बचते हैं टू से वन को माइनस किया वन तो आंसर कितना है सेवनटीन यानी कि ये ट्रू है सही है तो यहाँ ट्रू यानी कि सही का निशान भी लगा सकते हैं टी भी लिख सकते हैं ट्रू लिख सकते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट है टोटल स्टार्स यहाँ पर प्लस कर कर आंसर दिया गया है फोर्टीन तो यहाँ पर अब हम इसका पता लगाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोरटीन तो ये सही है तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रू नेक्स्ट है मंथ्स हैव इक्वल नंबर ऑफ डेज सभी महीनों में बराबर दिन होते हैं तो ये गलत है सभी महीनों में अलग अलग दिन होते हैं कुछ महीने थर्टी डेज के होते हैं कुछ थर्टी वन के कुछ ट्वेंटी नाइन कुछ ट्वेंटी नाइन के और कुछ ट्वेंटी एट यानी कि जो फेब है फरवरी है वो ट्वेंटी एट का भी होता है और ट्वेंटी नाइन का भी तो यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स एफ ए एल एस ई नेक्स्ट है सिक्सटीन माइनस सिक्स प्लस टेन इज इक्वल टू थर्टी टू तो अब इसका पता लगाना है कि सही है या फिर गलत है तो सिक्सटीन से हम माइनस करेंगे सिक्स सिक्सटीन से हमने सिक्स को माइनस किया सिक्स में से सिक्स माइनस के जीरो और यहाँ कितना बचता है वन यानी कि आंसर हुआ टेन अब इस टेन में हम टेन प्लस करेंगे तो कितना हुआ जीरो वन और वन टू तो आंसर हुआ ट्वेंटी और यहाँ आंसर क्या है थर्टी टू तो ये फॉल्स है तो यहां पर लिखेंगे हम फॉल्स अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थ्री है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यहाँ पर आपको अब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो यहां पर कितना है ये नॉट है टेन का और ये कितने हैं इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन यहाँ पर चार रुपए हैं तो टेन 11, ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन उसके बाद यहाँ पर टेन का बंडल है पेंसिल का और यहाँ पर कुछ खुली पेंसिल्स हैं तो आप इन्हें प्लस करेंगे तो टेन ये हो गए इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन तो कितनी पेंसिल हैं फर्स्ट में फोर्टीन यहाँ पर कितनी हैं टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन यहाँ पर कितनी है थर्टीन तो टोटल कितनी हो गई फोर्टीन और थर्टीन को यहाँ इस तरीके से प्लस कर लेंगे फोर और थ्री कितने होते हैं सेवन वन और वन टू तो, तो टोटल कितना आंसर हुआ ट्वेंटी सेवन अब यहाँ पर नेक्स्ट है ट्वेंटी सिक्स माइनस एट प्लस टेन कितने होंगे तो ट्वेंटी सिक्स से एट माइनस करेंगे पहले ट्वेंटी सिक्स माइनस एट सिक्स से हम एट माइनस करेंगे होंगे नहीं तो यहाँ से बोरो ले लेंगे तो यहाँ कितने हो गए सिक्सटीन सिक्सटीन से एट माइनस करने हैं तो आप लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं फिंगर काउंटिंग से भी तो यहाँ पर सिक्सटीन लाइन ड्रॉ कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन तो यहाँ पर सिक्सटीन होगी अब एट माइनस करनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो यहाँ पर एट माइनस कर दी तो कितनी बची वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो यहाँ पर एट बची और यहाँ कितना बचा वन तो कितना हो गया आंसर एटीन अब एटीन में हम टेन प्लस करेंगे तो एटीन प्लस टेन एट में जीरो प्लस यानी कि यहां कितना आएगा ही आएगा वन और वन टू तो आंसर होगा ट्वेंटी एट तो यहां लिखेंगे हम ट्वेंटी एट अब यहां पर क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पिक्टोरियल क्वेश्चंस यहां पर इन पिक्टोरियल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है फिल इन द ब्लैंक्स आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं तो टोटल यहां पर प्लस करके लिखना है तो आप यहां देख सकते हैं डॉट्स हैं तो यहां पर टोटल कितनी डॉट्स हैं वो यहाँ पर जोड़ कर लिखनी है तो आप इस तरीके से काउंट कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो यहाँ पर लिखेंगे टेन उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो कितनी हो गई इलेवन उसके बाद यहाँ कितनी है सिक्स हैं सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन तो टोटल तो आंसर होगा यहाँ फोर्टीन नेक्स्ट में कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन तो यहाँ लिखेंगे थर्टीन अब यहाँ पर नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ बटरफ्लाई फ्रॉम हाउस इज़ सिक्स फिंगर्स घर से बटरफ्लाई तक की दूरी छः उंगलियाँ हैं एंड डिस्टेंस ऑफ बटरफ्लाई फ्रॉम द ट्री और ट्री से बटरफ्लाई तक की दूरी इज़ एट फिंगर्स एट फिंगर्स है वॉट इज़ द डिस्टेंस ऑफ हाउस फ्रॉम ट्री इन फिंगर्स तो हाउस से ट्री तक की कितनी फिंगर्स दूरी है तो यहां पर बटरफ्लाई तक की हाउस से दूरी है सिक्स फिंगर्स और बटरफ्लाई से ट्री तक की है एट फिंगर्स तो टोटल जो है घर से ट्री तक की कितनी दूरी है तो इसके लिए आप जोड़ लेंगे एट और सिक्स को एट और सिक्स को इस तरीके से जोड़ लेंगे एट में सिक्स और प्लस कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट में एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन तो टोटल कितना हो गया फोर्टीन तो यहां पर आंसर होगा फोर्टीन फिंगर्स अब यहां पर क्वेश्चन है बंटी एंड बबली rupees. बंटी और बबली के पास पचास रुपए थे बॉट अ पैकेट ऑफ बिस्किट वर्थ रूपीज फाइव उन्होंने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा जिसका मूल्य पांच रुपये था अब बॉटल ऑफ जूस वर्थ रुपीज़ सेवेंटीन सेवनटीन रुपीज़ की एक जूस की बोतल एंड बनाना आज वर्थ रुपीज़ एटीन और एटीन रुपीज़ के बनाना तो उन्होंने जो है उनके पास टोटल रुपीज़ थे फिफ्टी कितने का सामान खरीदा टोटल उन्होंने खर्च कितने किए हैं वो हमें पता लगाना है पहले हम यह क्वेश्चन देखते हैं नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टोटल मनी बंटी एंड बावली हैड बंटी और बवली के पास कितने रुपीज़ थे टोटल फिफ्टी रुपीज़ उसके बाद है टोटल मनी बंटी एंड बबली स्पेंट बंटी और बबली ने टोटल कितने रुपीस स्पेंड किए खर्च किए तो टोटल कितने किए यहाँ हम प्लस कर लेंगे उन्होंने एट्टीन रुपीस के बनाना खरीदे सेवेंटीन रुपीस की बोतल खरीदी फाइव रुपीस का एक बिस्किट का पैकेट खरीदा तो इन्हें प्लस कर लेंगे एट और सेवन कितने होते हैं फिफ्टीन फिफ्टीन में फाइव प्लस करेंगे ट्वेंटी ट्वेंटी की जीरो कैरी टू वन और वन टू और टू कितने हो गए फोर तो टोटल उन्होंने फोर्टी रुपीज़ खर्च की तो यहाँ लिखेंगे फोर्टी अब यहाँ पर नेक्स्ट है टोटल मनी लेफ्ट विद देम उनके पास कितने रुपए बचे तो टोटल रुपीज़ थे फिफ्टी फिफ्टी से उन्होंने फोर्टी खर्च कर लिए तो फिफ्टी से फोर्टी माइनस करेंगे कितने बचे जीरो में से जीरो फाइव में से फोर माइनस किए वन तो आंसर कितना आया टेन यानी कि उनके पास बचे टेन रुपीज़ अब यहाँ क्वेश्चन है अ फ्लावर बेड हैज टेन रेड रोजेज फ्लावर्स एक फ्लावर बेड में टेन रेड रोजेज़ हैं एंड फाइव येलो रोज फ्लावर्स और पाँच जो हैं येलो पीले रंग के गुलाब के फूल हैं तो टोटल तो नंबर ऑफ़ रेड रोजेज़ इन द फ्लावर बेड तो फ्लावर बेड में टोटल रेड रोजेज कितने हैं तो कितने हैं टेन तो यहाँ लिखेंगे टेन टोटल नंबर ऑफ़ येलो रोजेज तो येलो कितने हैं फाइव टोटल नंबर ऑफ़ रोजेज इन द फ्लावर बेड ऑल टूगेदर यानी कि सारे टोटल रोजेज कितने हैं तो टेन और फाइव को प्लस कर लेंगे कितना होगा टेन प्लस फाइव कितने हुआ फाइव एंड वन फिफ्टीन तो आंसर होगा फिफ्टीन अब यहाँ क्वेश्चन है वंस रीच्ड एट मालतीज हाउस बाय वॉकिंग ट्वेंटी थ्री स्टेप्स वंस मालती के घर पर ट्वेंटी थ्री कदम चल के गया एंड फर्दर और फिर आगे वॉक द ट्वेंटी टू स्टेप्स वह फिर आगे जो है ट्वेंटी टू स्टेप्स चला टू रीच हरमन हाउस हरमन के घर पहुंचने के लिए हाउ मैनी स्टेप्स डिड ही वॉक फ्रॉम हिज हाउस टू हरमन हाउस तो वह अब आपको बताना है कि अपने घर से हरमन के घर तक पहुंचने के लिए उसने वह कितने कदम चला अब यहाँ पर क्वेश्चन है वंस वॉकड फ्रॉम हिज हाउस टू मालतीज हाउस वंस जो है मालती के घर कितने कदम चला ट्वेंटी थ्री स्टेप्स तो यहाँ लिखेंगे ट्वेंटी थ्री वंस वॉकड फ्रॉम मालतीज हाउस टू हरमन्स हाउस वंस जो है मालती के घर से हरमन के घर कितना चला बाईस कदम यानी कि ट्वेंटी टू स्टेप्स तो यहाँ लिखेंगे ट्वेंटी टू वंस वॉकड फ्रॉम हिज हाउस टू हरम हाउस अब टोटल बताना है कि अपने घर से हरमन के हाउस तक पहुँचने के लिए कितने कदम चला तो जोड़ लेंगे ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी टू को तो थ्री और टू कितने होते हैं फाइव टू और टू फोर तो टोटल फोर्टी फाइव स्टेप्स चला अब यह क्वेश्चन है श्रेया सेव्स मनी श्रेया जो है रुपए बचाती है एंड राइट्स इन हर डायरी और अपनी डायरी में लिखती है हेल्प श्रेया इन फाइंडिंग द अमाउंट विच रिमेन्ड बैलेंस आफ्टर एक्सपेंडिचर एट द एंड ऑफ द मंथ अब आपको बताना है कि श्रेया ने जो है पूरे महीने में पैसे खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे हैं तो डायरी पढ़ लेते हैं पहले जनवरी में उसने सिक्सटी रुपीस डिपॉजिट किए सेवन जनवरी को परचेज ब्रूम ऑफ रुपीस एटीन उसने झाड़ू खरीदी अट्ठारह रुपए की 12 जनवरी को परचेज अ फिनाइल बॉटल ऑफ रुपीज ट्वेंटी फाइव फिनाइल की एक बोतल खरीदी ट्वेंटी फाइव रुपीज़ की 12 जनवरी में ट्वेंटी फाइव रुपीज़ की एक फिनाइल की बोतल खरीदी जनवरी 25 में डिपॉजिट ऑफ 27 अब उसने दोबारा ट्वेंटी सेवन रुपीज़ ट्वेंटी फाइव जनवरी को डिपॉजिट किए अब यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं क्वेश्चन है टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड यानी कि उसने टोटल कितने रुपीज़ जमा किए तो उसने टोटल कितने किए हैं सिक्सटी एंड ट्वेंटी सेवन तो यहाँ पर हम सिक्सटी और ट्वेंटी सेवन को प्लस कर लेंगे सेवन सिक्स एंड टू एट तो टोटल तो उसने एट्टी सेवन रुपीज़ जमा किए हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट है टोटल अमाउंट स्पेंट उसने खर्च कितने रुपए किए हैं तो यहाँ पर उसने एट्टीन रुपीज़ की ब्रूम खरीदी है और ट्वेंटी फाइव की फिनाइल की बोतल तो 18 और ट्वेंटी फाइव को हमने जोड़ा है कितने हैं फोर्टी थ्री तो उसने टोटल अमाउंट फोर्टी थ्री रुपीज़ खर्च किए हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट है बैलेंस एट द एंड ऑफ जनवरी उसके पास अब जनवरी में जनवरी के अंत में कितने रुपए बचे हैं तो क्या करेंगे हम एट्टी सेवन से फोटी थ्री को माइनस कर देंगे सेवन से थ्री माइनस किए फोर एट से फोर माइनस किए फोर इट मीनस उसके पास एंड ऑफ जनवरी में बैलेंस है फोर्टी फोर रुपीज़ तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे अब यहाँ पर क्वेश्चन है टू डेज क्लीनिंग डे एट स्कूल आज जो है स्कूल का क्लीनिंग डे है वी विल वर्क एज अ टीम तो हमें टीम के रूप में काम करना है टेन चिल्ड्रन इन ईच टीम विल बी देयर प्रत्येक टीम में दस बच्चे होंगे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास अब क्लास में बच्चों की संख्या के अकॉर्डिंग आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है तो यहाँ पर क्लासेज दी गई हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ टीम्स फॉरमेड यहाँ पर आपको बतानी है कितनी टीम बनेंगी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इन टीम और जितने बच्चे टीम से बाहर रहेंगे वो यहाँ लिखने हैं तो क्लास फर्स्ट में टोटल स्टूडेंट्स हैं फिफ्टी थ्री फिफ्टी प्लस थ्री तो फिफ्टी की फाइव टीम्स बनेंगी और थ्री बच्चे आउट ऑफ टीम रहेंगे नेक्स्ट है क्लास सेकेंड जिसमें फोर्टी टू स्टूडेंट्स हैं फोर्टी प्लस टू इट मीन्स फोर्टी से फोर टीम बनेंगी और टू बच्चे आउट ऑफ टीम रहेंगे नेक्स्ट है थर्ड क्लास जिसमें थर्टी फाइव स्टूडेंट्स हैं थर्टी प्लस फाइव थर्टी में टीम बनेंगी थ्री और फाइव स्टूडेंट्स आउट ऑफ टीम रहेंगे नेक्स्ट है क्लास फोर्थ जिसमें फिफ्टी फोर स्टूडेंट्स हैं फिफ्टी प्लस फोर फिफ्टी में फाइव टीम बनेंगी और फोर स्टूडेंट्स आउट ऑफ टीम होंगे क्लास फिफ्थ में है ट्वेंटी सिक्स स्टूडेंट्स जिसमें ट्वेंटी प्लस सिक्स ट्वेंटी की टू टीम्स बनेंगी और सिक्स स्टूडेंट्स आउट ऑफ टीम रहेंगे अब यहाँ पर टोटल जो बच्चे हैं वो है टू हंड्रेड टेन जो आपकी टीम बनेंगी टोटल कितनी बनेंगी नाइनटीन और टोटल स्टूडेंट्स आउट ऑफ टीम रहेंगे ट्वेंटी आप इन्हें कैलकुलेट करके देख लेंगे अब यहाँ पर क्वेश्चन है आफ्टर कंप्लीटिंग द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं इस टेबल को कम्प्लीट करने के बाद फर्स्ट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं टू हंड्रेड टेन नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन ऑल क्लासेस सभी क्लासेस की टीम कितनी है तो नाइनटीन है तो यहाँ लिखेंगे नाइन्टीन नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लेफ्ट कितने बच्चे टीम से बाहर हैं तो ट्वेंटी हैं यहाँ लिखेंगे ट्वेंटी अब यहाँ पर क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन स्कूल स्कूल में टोटल टीम्स कितनी हैं तो जो क्लासेस की टीम है बच्चे हैं टू हंड्रेड टेन इनमें से टीम बनी है नाइनटीन कितने बच्चे बाहर रहे हैं ट्वेंटी तो यदि हम ट्वेंटी को टीम में डिवाइड करते हैं तो ट्वेंटी से टू टीम्स और बन जाएंगी तो नाइनटीन में हम टू को प्लस करेंगे कितने हो गए ट्वेंटी वन तो टोटल टीम इन स्कूल ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन टीम होंगी पूरे स्कूल में तो आप इस तरीके से अपने इस प्रैक्टिस टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट पेपर के साथ इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू